दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप में। और ये है कडमट आइलैंड और ये है हमारे सामने बिल्कुल प्योर क्लीन बीच। और अभी हम जा रहे हैं पानी में और थोड़ा सा मजा आएगा बिल्कुल। तो दोस्तों, यदि आप भी घूमने फिरने के शौकीन हो और खूबसूरत आइलैंड देखना आपका शौक है, तो भाई आपको सच में बाहर जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2021 के अंदर मैंने अपनी फैमिली के साथ लक्षद्वीप विजिट किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि लक्षद्वीप मुझे कैसा लगा। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि वहां पे आप कैसे पहुंच सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, परमिट कैसे लेना पड़ेगा, किन कंडीशन में परमिट नहीं लेना पड़ेगा, सारी चीजें बताऊंगा। तो यार, इंडिया को आप सपोर्ट करो और अगर आपको सच में घूमना है तो लक्षद्वीप जाओ। और एक चीज मैं और बता दूं कि जो सर्दियों का मौसम है ना, विंटर सीजन, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये मौसम लक्षद्वीप जाने के लिए बेहतरीन है। वहां का जो मौसम है वो थोड़ा सा मतलब मजेदार मौसम रहता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा विंटर है और वहां पे आपको पता है कि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा, तो समुद्र में आप बहुत ज्यादा मजा ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई मैं वहां पे जब गया तो मैं वहां पे कडमट आइलैंड पे गया था। और जो कडमट आइलैंड था वो इतना ज्यादा खूबसूरत था कि मतलब आप ये देखो कि कैमरे में ना आप उसको ठीक से कैद ही नहीं कर सकते। बस वो आपकी आंखों में, आपके सपनों में, आपके मतलब है ना मेमोरीज में एक बार कैद हो जाता है। और मैं पूरी फैमिली को लेके गया था और मेरी फैमिली पहली बार किसी आइलैंड पे जा रही थी पूरी की पूरी, तो वो इतना ज़्यादा खुश थी। वहाँ का जो वाटर है वो इतना ज़्यादा क्लीन है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और आइलैंड जो है छोटे छोटे हैं, 36 द्वीपों का वो पूरा आइलैंड है। और वहाँ पे आप कुछ कुछ द्वीपों में जा सकते हैं, जैसे मिनी कोई में आप जा सकते हैं, कल्पानी में आप जा सकते हैं, अगाती आइलैंड पे आप जा सकते हैं, कवरत्ती पे आप जा सकते हैं, मैं कडमट में गया था तो कडमट आप जा सकते हैं, सुएली बीच पे जा सकते हैं, बंगाराम जो आइलैंड है वहाँ पे जा सकते हैं। और ये यकीन मानिए इतने खूबसूरत आइलैंड है कि आप ये कहेंगे कि भाई अनदर इंडिया है ये। मतलब इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, आपको यकीन नहीं होगा कि आप इंडिया के अंदर है, इतना खूबसूरत है। और इंडिया का एक ऐसा पार्ट है जो पता नहीं टूरिस्ट के बीच में अभी उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन थैंक्स टू मोदी जी कि जैसे ही मोदी जी वहां पे गए अब धीरे धीरे उसकी पॉपुलरिटी बढ़ेगी। और जब मैं वहां पे गया तो मुझे कोई ज्यादा टूरिस्ट वहां पे मिले नहीं, तो मैंने यही सोचा कि इतना खूबसूरत जगह यार, इतना खूबसूरत, मतलब मेरा आने का मन नहीं कर रहा था। मेरी पूरी फैमिली कह रही थी यहीं पर रहते हैं। बट हम एक ही दिन के लिए गए थे, बताऊंगा मैं क्यों एक दिन के लिए गया वहां पे, और हमारा मन ही नहीं कर रहा था आने का, इतना जबरदस्त खूबसूरत था। इसके अलावा वहाँ पे आप एक्टिविटी बहुत सारी कर सकते हैं, जैसे आप स्नॉर्कलिंग वहाँ पे करेंगे, स्कूबा डाइविंग करेंगे, बनाना बोट राइडिंग करेंगे, जितने भी जो वाटर स्पोर्ट होते हैं ना वो वहाँ पे आप अलग अलग आइलैंड पे कर सकते हैं। और उसका जो एक्सपीरियंस आपका रहेगा ना वो बहुत अमेजिंग रहेगा। मतलब आप चाहे गोवा चले जाओ, आप चाहे अंडमान चले जाओ, वहाँ पे जो आप वाटर एक्टिविटी करते हो और एक आप लक्षद्वीप पे जाके जो अंडर वाटर एक्टिविटी करते हो, तो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट रहता है, क्योंकि लक्षद्वीप का जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा ब्लूइश एकदम वाटर है। तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा आनंदमय हो जाओगे, आपको लगेगा कि मज़ा आ गया बहुत। आपके हिंदुस्तान में आपने जितनी भी ट्रिप की होगी ना, सबसे अच्छी ट्रिप आपकी लक्षद्वीप पे रहेगी। अब बात करते हैं कि भाई आप कैसे कैसे वहाँ पे जा सकते हो, कौन कौन से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के साधन है। तो पहले तो मैं बता दूँ कुछ वहाँ पे बेसिकली आप चार तरीके से जा सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि जो कोची है वहाँ से शिप चलते हैं लक्षद्वीप की तरफ। और वो शिप में एक्चुअल में क्या होता है कि जो लक्षद्वीप में जो लोग रहते हैं वो अपना जो सामान होता है, राशन वासन का जो भी सामान होता है, वो कोची से ही परचेज करते हैं। तो उस शिप के थ्रू वो जो है अपना आना जाना करते हैं। तो आप भी उन शिप में से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप शिप में जा सकते हो। इसके अलावा एक समुद्रम पैकेज भी होता है कोची से, एक कवरत्ती शिप है जो उधर का बहुत बड़ा शिप है, उसके थ्रू भी आप पूरा एक समुद्रम पैकेज ले सकते हो। उसकी जानकारी भी दे रहा हूँ आज की इस वीडियो में, उसके थ्रू आप पूरा का पूरा पैकेज ले सकते हो। इसके अलावा आप कोची से भी आप फ्लाइट ले सकते हो, कोची से एक फ्लाइट जाती है वहाँ पे, और दिल्ली से भी फ्लाइट जाती है, आप चेक करना, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप फ्लाइट से जा सकते हो। और मैं जिससे गया था वो चौथा उसका तरीका वो है कोर्डेलिया क्रूज से, वो भी एक लग्जरी मतलब ट्रांसपोर्ट का साधन है और क्रूज अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, तो मैं कोर्डेलिया क्रूज से गया था। लेकिन अगर आप कोर्डेलिया क्रूज से जाते हो तो आपके साथ बस एक ही दिक्कत आएगी कि वहाँ पे आपको एक ही आइलैंड पे लेके जाएगा, या तो अगाती पे लेके जाएगा या तो कडमट पे लेके जाएगा, जैसे हमको कडमट आइलैंड पे लेके गया था। तो वो आपको एक दिन वहाँ पे मिलेगा, यानी 4 से 5 घंटे वहाँ पे मिलेंगे आपको बिताने के लिए, जो कि एक आइलैंड के लिए तो सफिशियंट थे। हालांकि आपको मन तो नहीं करेगा वहाँ से वापस आने का, बट अगर आप कोर्डेलिया से जाना चाहते हो तो आप एक दिन के लिए जा सकते हो। और अगर आप पूरा का पूरा जो लक्षद्वीप है उसको आप विजिट करना चाहते हो तो आपको बाकी के जो 3 साधन है उनसे जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि लक्षद्वीप जाने के लिए आपको एक परमिट लेना पड़ता है, लेकिन अगर आप कोर्डेलिया क्रूज से जाते हो तो आपको परमिट नहीं लेना पड़ता।
कोडेला क्रूज से आप जाओगे तो आपको मुंबई से क्रूज मिलेगा और 4 नाइट 5 डेज का वो जर्नी रहेगा, जिसमें एक दिन आप जो है लक्षद्वीप रहोगे। जब मैं गया था उसमें परमिशन की जरूरत नहीं होती, क्रूज को वो समुद्र के बीच में खड़ा करके और आपको बोट से लेके जाते हैं वहाँ पे, एक दिन आप आइलैंड पे रहते हैं। इसके अलावा अगर आप समुद्रम पैकेज करते हैं तो वहाँ भी परमिशन का कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो सब कुछ करा देते हैं, तो आप समुद्रम पैकेज ले सकते हैं, उसकी डिटेल भी बताऊंगा मैं आगे। और अगर आप बाई फ्लाइट जाते हो या फिर बाई शिप जाते हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब परमिशन लेना बहुत ईजी है, आप ऑनलाइन परमिशन ले सकते हैं, 2 से 3 दिन में आपकी परमिशन आपको मिल जाएगी। और जो वेबसाइट है इसकी, ये है epermit.utl.gov.in, इस पे जाके आप अपनी डिटेल डाल दीजिए, परमिशन आपको मिल जाएगी। ₹200 आपका चार्ज रहेगा परमिशन लेने का। परमिशन जैसे मिल जाती है आप अपनी फ्लाइट बुक करिए या तो फिर अपना जो है वो शिप से जा सकते हैं, कोची से कोई दिक्कत नहीं। कोची एक तरीके से गेटवे है और उसी से आप जाएंगे। इसके अलावा अब अगर मान लो आपको जाना है समुद्रम पैकेज में, तो समुद्रम पैकेज की डिटेल बता देता हूँ। समुद्रम पैकेज एक कवरत्ती शिप है, उसके थ्रू चलता है। अब कवरत्ती शिप के अंदर क्या होता है, वहाँ पे अगर प्राइस की बात करूँ तो ₹35,000 के आसपास आपकी प्राइस लगती है और उसमें आप कवरत्ती शिप में सवार हो जाते हो। वो वहाँ से कोची से चलता है और आपको एक आइलैंड पे लेके जाता है ना, ठीक है, आइलैंड पे लेके जाता है और वो आपको अलग अलग दिन घुमाता है, करीब 3 आइलैंड पे घुमाता है। जैसे कवरत्ती पे लेके जाएगा, कलपानी पे लेके चल जाएगा, गाती पे लेके जाएगा, ऐसे कोई भी 3 आइलैंड्स पे वो घुमाता है। तो वो क्या करते हैं कि रात को चलता है वो सिप एक्चुअल में, और दिन में वो बोट के थ्रू आपको आइलैंड पे लेके जाता है। तो आप 3 आइलैंड घूमोगे। आइलैंड पे क्या क्या होगा कि वहाँ पे आपका जो खाना पीना सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है, तो आपको सिप में ही खाना पीना मिल जाएगा। और अगर ब्रेकफास्ट या लंच की बात करूँ तो वो आपको आइलैंड पे ही मिलेगा। आइलैंड पे वो थोड़ा बफे सिस्टम लगा देते हैं और वहाँ का लोकल फूड जो है वो आप वहाँ पे जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो आपको जो आपका पैकेज होगा समुद्र पैकेज, उसके थ्रू मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पे थोड़ा जो ट्रेडिशनल उनके कल्चरल प्रोग्राम होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। उनके भी अलग अलग आइलैंड पे इंतजाम किए जाते हैं उस समुद्रम पैकेज के अंदर, तो वो आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ के जो वहाँ पे कोकोनट का एक फैक्ट्री है वो आपको विजिट करने का जो है ऑप्शन मिलता है, वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक है ना ग्लास बॉटम राइड होती है बोट की, यानी कि एक बोट होती है उसका जो बॉटम होता है वो ग्लास का बना होता है, उसके आप सफ़र जरूर करें, वो बहुत अमेजिंग है क्योंकि उसमें नीचे ग्लास लगा होता है तो समुद्र बिल्कुल क्लीन है। तो आपको जो अंडर वाटर की जो मतलब है ना ये फिशेज हैं और जो अलग अलग तरह के जो कोरल्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं। और अगर आप स्कूबा डाइविंग करते हो तो समुद्रम पैकेज में वो आपका इंक्लूड नहीं रहता, उसके लिए आपको शायद 2 से 2,500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जो भी वहाँ का चार्ज रहेगा। बट अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे जो लक्षद्वीप में जो कोरल्स है ना, लाइव कोरल्स, वो उनको देखना मतलब एक तरह से ना अपनी एक मेमोरी बना लेना है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई मैंने लक्षद्वीप विजिट किया, मुझे बहुत खूबसूरत लगा, मैं बार बार लक्षद्वीप जाना चाहूँगा और मैं देश दुनिया में घूमता हूँ। मालदीव कभी नहीं गया, क्योंकि जब मैं लक्षद्वीप गया तो मेरी इच्छा नहीं हुई कि फिर मैं मालदीव जाऊँ, क्योंकि जब लक्षद्वीप देख लिया तो मैं मालदीव क्यों जाऊँगा, इसके अलावा और भी जगह है वहाँ चला जाऊँगा। तो आप भी इंडिया को सपोर्ट करो, और अगर आपको आइलैंड घूमना है तो इस सबसे अच्छा मौसम है जाने का, लक्षद्वीप जाओ और जाके आप एक्सपीरियंस करो, और फिर इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना। और लक्षद्वीप जाने के लिए आपको कोई भी और अगर गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा कि कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं। और कोई भी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा आप जाओगे तो गवर्नमेंट अभी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, धीरे धीरे वहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और एक अमेजिंग जो है टूरिस्ट स्पॉट हमारे इंडिया में हमको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। चलिए, इंडिया को सपोर्ट करना है। जय हिंद।